कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे लेकिन आपने अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा? हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आज हम सिंदूर उन्हीं के हाथों से लगवाएंगे। क्या पता फिर ये अवसर मिले ना मिले। खम्मा घनी, सेनापति सांडा जी अपने कक्ष में हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहाँ। क्षमा कर दीजिए हमें, हमने देखा नहीं आपको। जानते थे कि आप आ रही थी और हमें बहुत बुरा लग रहा है। बुरा नहीं सब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान हमें किसी न किसी तरीके से तो बता ही देता है ना कि कल क्या होने वाला है। बेटा, कल हम लोग खेल खेलेंगे, लुक्का छिपी। अगर उसमें हम जीत गए ना तो हमें बहुत सारा पारितोषिक मिलेगा। मुझे सोने की तलवार भी मिलेगी? हाँ मिलेगी बेटा। तो बताइए हमें क्या करना होगा? बेटा, जब तुम्हें बाहर चिल्लाने की आवाजें आएंगी ना तब तुम चुपचाप से अनाज के पात्रों में छिप जाना और तब तक ना निकलना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, नहीं तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया लुका छिपी में। पर ये खेल बहुत लंबा चलेगा, रात भी हो सकती है। तब तक तो हमें भूख लग जाएगी ना। हाँ मैंने कहा ना बेटा, ये कोई साधारण खेल नहीं है और तुम्हें जीतना होगा। बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि यह खेल मैं अवश्य जीतूंगा। मेरा बहादुर बच्चा। सुनो 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 सुनो, आज की रात अंतिम दावत है जिसमें आप सबको आना है। चित्तौड़ का हर आदमी आज एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करेगा। सुनो सुनो सुनो। साथियों, आइए आइए, आज हम सब मिलकर इस भोजन का आनंद। हम कितने सौभाग्यशाली कि हम जानते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है और इस बचे हुए समय में हम क्या कर सकते हैं। उस दूसरे संसार में जाने से पूर्व एक बार हम सब अपने साथ अपने परिजनों को धन्यवाद कर इस समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। वो कितनी बड़ी बात है। तो आइए, भोजन के आसन पर बैठने से पहले हम एकलिंगजी को धन्यवाद। ये बाबूजी राज, एकलिंग जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी प्रजा और मातृभूमि दोनों की ही रक्षा कर सके। हमें शक्ति दीजिए कि हम समय आने पर सभी औरतों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर पाए। हमने आप सभी को यहाँ गुप्त मंत्रणा के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास एक योजना है। हम रोक सकते हैं कुंवर प्रताप को। सभी सामंत कहां है? कहां है हमारे वीर योद्धा? हम यहां हैं कुंवर प्रताप। और बाकी सब हम यहां हैं बाबूजी राज। जय एकलिंगजी, जय एकलिंगजी। एक अंतिम बार गले नहीं लगेंगे। गर्व है हमें आप पर पत्ता, गर्व है। आपके विवाह की रस्में भी अब तक पूरी नहीं हुई। मेहरणी की मेहंदी भी अभी गीली है और आप जो हैं प्रताप, विवाह के साथ तो हमने 7 जन्मों का संबंध बनाया है। केवल एक ही जन्म तो कर रहे हैं मातृभूमि के नाम। अब बाकी बचे 6 जन्म बिताएंगे उनके साथ आनंद से। तो ये जन्म केवल और केवल मातृभूमि के नाम। गर्व है हमें आप पर पता, गर्व है। जयमल जी, इन संकट भरे पलों में आपने और शारदाबाई जी ने जो हमारी सहायता की, मेवाड़ का बच्चा बच्चा और हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। कैसा ऋण कुंवर प्रताप? यह समस्त राजपुताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप। और जब कोई संतान अपनी मां की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। और फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चित्तौड़ के लिए भी नहीं। अब पे तो हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान कर रहे हैं और मातृभूमि के लिए तब तक बलिदान करते रहेंगे जब तक मुगलों को अपने इस राजपुताने से खदेड़कर उनके देश तक नहीं भेज देते। तब तक सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आपसे क्या कहे रावत जी, आपने तो हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ। वचन देते हैं आपको, वचन देते हैं आप, आपके नाम को लजाएंगे नहीं। आशीर्वाद दीजिए हमें। आयुष्मान भव भोजराज, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा भोजराज, चिरंजीवी भवा। आपके विशाल अनुभव ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया। हम सभी जानते हैं कल क्या होने वाला है और गर्व हमें इस बात का है कि हमने अपना पूरा जीवन आप जैसे वीर योद्धाओं के बीच में बिताया। आप सभी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमने आपसे जाना और जिस सहनशीलता और स्नेह के साथ आपने हमारे हर हट को स्वीकारा, स्थितियां इतनी अधिक विपरीत हो जाने के उपरांत आप में से किसी ने भी अपना उत्साह कम नहीं होने दिया और यही हमारी शक्ति का उद्गम है। हम तो बस एकलिंगजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि अगला जन्म हमारा इसी मिट्टी में हो और इन शूरवीरों के साथ हो। आज हम सब मिलकर करते हैं अपना उत्सव भोज। जय एकलिंगजी, राजे राजे हवा का झोंका, ये मेवाड़ की मीठी मिट्टी की सुगंध लेकर आया है। वही मिट्टी जिसमें हमारा जन्म जन्म हम पले बड़े बड़े और सौभाग्य देखे आज इसी मिट्टी के ऋण से ओरिड होने का अवसर मिल रहा है। तो आइए आज अंतिम बार हम सब मिलकर भोजन करते हैं हमारा उत्सव भोज। आरंभ पत्ता का हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन हमने आपको यही वचन दिया है और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। हम वचन देते हैं आपको। हो सकता है कि इसके लिए हमें अपने प्रधान सेनापति और अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़े, किंतु हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा क्या करने वाले हैं आप जीजा? मिलाया अपनी जीजा से हुकुम और उनके मुस्कुराते चेहरे की छवि के साथ तो हम और भी सरलता से युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर सकते हैं। विराजिए, आइए भोजन आराम करते हैं। ये हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के नाम, हमारे आत्मगौरव और स्वतंत्रता के क्या बात है पत्ता, कहाँ खोए हुए हैं? आइए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। इतने आनंददायक भोज के बाद अब जो भी होगा भरपेट होगा। क्या बात है, आप सभी चुप क्यों हैं? आप सबको तो सबने ठीक नहीं किया। राहुल जी, पत्ता, जयमाल जी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्षमा कर दीजिए बाबूजी राज, हम विवश थे। क्षमा कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.